हेलो एवरीवन, आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है नूडल्स बास्केट चाट। यह बहुत क्रिस्पी और चटपटी रेसिपी है जो सबको बहुत पसंद आती है। तो चलिए देखते हैं कि यह नूडल्स बास्केट चाट कैसे बनाई जाती है। यहाँ पर मैंने बॉइल किए हुए नूडल्स लिए हुए हैं। अब इसमें एक चम्मच कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक बॉईल करते हुए भी डाला था, इसलिए नमक की क्वांटिटी कम ही रखेंगे। अब इन दोनों को डालकर अच्छे से नूडल्स में मिक्स कर देंगे। कॉर्नफ्लावर डालने से बास्केट बहुत क्रिस्पी बनती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बास्केट बनाने के लिए मैंने इसका यूज किया है। ये आमतौर पर सभी घरों में मिल जाता है, पूरी छानने के यूज में आता है। इसमें नूडल्स को अच्छे से सेट कर देंगे। आप चाहें तो छोटे स्ट्रेनर का भी यूज कर सकते हैं जिसमें हम चाय छानते हैं। अगर आपको छोटी बास्केट बनानी है तो आप छोटे स्ट्रेनर का यूज करें, और अगर बड़ी बास्केट बनानी है तो इस तरह के किसी भी बड़े बर्तन का यूज कर सकते हैं। अब यह अच्छे से सेट हो चुका है। इसको पहले से गर्म किए हुए तेल में धीरे धीरे करके फ्राई करेंगे। स्टार्टिंग में हमें इसको धीरे धीरे बाहर निकालते हुए सेकना है जिससे कि तेल उछल के बाहर ना गिरे। अब ये आराम से कढ़ाई में रख के इसको स्लो गैस पर सेकते रहेंगे। जो कढ़ाई ली है उसकी गहराई थोड़ा कम लिया है जिससे इसको आसानी से कढ़ाई में फिट किया जा सके। अब यह हमारा बीच में से सिक चुका है, इसको किनारे से सेकना बाकी है। ऐसे घुमाते हुए किनारे से सेकते रहेंगे। हमें इसको गोल्डन ब्राउन करने तक सेकना है। अब ये हमारी बास्केट तैयार हो चुकी है। इसको कढ़ाई से निकालकर आराम से प्लेट पर रख लेंगे और एक नाइफ की हेल्प से धीरे धीरे हटाएंगे। अब ये अच्छे से निकल चुकी है। इसी तरह से हम बाकी की बास्केट भी बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने दो बड़ी बास्केट बनाई है और छोटी स्ट्रेनर की हेल्प से दो छोटी छोटी बास्केट बनाई है। अब हम चाट बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए पहले से बॉइल किए हुए आलू, छोले, यहाँ पर आप काले चने का यूज भी कर सकते हैं, मिक्स नमकीन, हरी चटनी, इमली चटनी, चाट मसाला, लेमन जूस, काला नमक, सफेद नमक और काली मिर्च पाउडर, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले बॉइल किए हुए आलू को बारीक बारीक पीस में काट लेंगे। अब उसमें बॉइल किए हुए छोले मिला देंगे, सफेद नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा काला नमक, चाट मसाला पाउडर, लेमन जूस,
ग्रीन चटनी जो हरी मिर्च और धनिया पुदीना डालकर बनाई गई है, इमली की चटनी जो इसको खट्टा मीठा फ्लेवर देगी। अब इन सबको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप किसी भी मसाले की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। जब ये सब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब इसको एक एक करके बास्केट में फिल करते रहेंगे। यह ऊपर से अच्छे बास्केट में कवर कर दिया है। ऊपर से थोड़ा सा मिक्सचर नमकीन, आप चाहे तो बारीक सेब का भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरी बास्केट में भी मिक्सचर भर लेंगे। यह बड़ी बास्केट में मिक्सचर भर लेंगे। इस तरह से मैंने ये सारी बास्केट तैयार कर ली हैं। इनको ऊपर से प्याज और ग्रीन चटनी और इमली की चटनी से गार्निश कर लेंगे। देखिए बास्केट देखने में कितनी सुंदर लगती हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। हमारी बास्केट चाट एकदम रेडी है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।